हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो आपके वीडियो में ऐड लग के नहीं आते हैं, आपको ऐड लगाना पड़ता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आप अपने वीडियो में ऐड कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको कई तरीके बताने वाला हूँ, आप सारे तरीके को ध्यान से देख लेना। और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। पहला तरीका जो मैं बताने वाला हूँ आपको, सबसे पहले आपको अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा नीचे चले आना है। आपको यहाँ पे करना क्या है, अपने वीडियो पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पेन का आइकन मिल जाएगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ऊपर के साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑफ रहेगा, तो आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने जो ऐड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप अगर इनमें से कोई ऐड नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और अगर आप सारी ऐड लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से सिंपल सा बस सेव कर देना है। जैसे आप यहाँ से इसको सेव कर दोगे, आपके वीडियो में ऐड लग जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डॉलर का साइन है, ये अभी कुछ भी यहाँ पे हाईलाइट नहीं है। लेकिन अभी आप यहाँ पे जैसे मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा, या अभी देखना, ये हमारा जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस वीडियो पे हमारी ऐड चालू हो चुकी है, डॉलर का जो साइन है वो ग्रीन हो चुका है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपके चैनल पे बहुत से वीडियो हैं, आपके चैनल पे 500-600 वीडियो हैं, तो इस तरीके से करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसको एक बार में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने YouTube चैनल को क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल के लोगो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको YouTube स्टूडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे साइड, तो यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे, आपके सामने आपके चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने एक वीडियो का जो है मोनेटाइजेशन ऑन किया था, तो यहां पे जो डॉलर का साइन है वो ग्रीन है, बाकी का यहां पे अभी आप देख सकते हैं कि ऑफ है। तो एक तरीका ये है कि आप यहां पे क्लिक करके यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहां पे आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको इसको सेव कर देना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सर्फिंग हो रहा है। तो अभी आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे दूसरे वीडियो का भी मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन हो चुका है। इसके बाद अगले तरीके को जान लेते हैं फ्रेंड्स। अगले तरीके के लिए फ्रेंड्स, आप जिस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन करना चाहते हैं, आपको करना क्या है, उस वीडियो के टाइटल पे कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने डॉलर का साइन आ जाएगा, आपको इस डॉलर के साइन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ये ऑफ रहेगा, तो इसको हमको कर देना है ऑन। ऑन करने के बाद यहाँ से कर देना है डन। जैसे फ्रेंड्स डन कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि ऐड टाइप्स आ चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप कोई ऐड लगाना चाहते हैं और कोई ऐड हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेव का ऑप्शन, आपको यहाँ से कर देना है सेव। इस तरीके से आपके वीडियो में ऐड लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप एक साथ अपनी सारी वीडियो पे कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके जो सारे वीडियो पे टिक अपने आप आ जाएगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा ऑफ रहेगा, तो आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे अपडेट वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस अपडेट वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद आपको इस बॉक्स पे टिक कर देना है। जैसे आप टिक कर दोगे तो यहाँ पे अपडेट वीडियोज का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेट विल बी, और यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो अपडेट हो रही हैं, तो आपको कुछ टाइम जो है वो वेट कर लेना है।
इसके बाद फ्रेंड्स अभी आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे वीडियो में जो ऐड है वो ऑटोमेटिक से लग चुका है। तो फ्रेंड्स यहां पे 30 वीडियो सेलेक्ट हुई थी, 30 वीडियो पे हमारा जो ऐड है यहां पे डॉलर का साइन आप देख सकते हैं वो ग्रीन हो चुका है। इसके बाद यहां पे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आपको नॉन मोनेटाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करके आप अप्लाई करोगे तो आपके वीडियो जितने भी जो है वो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, यहाँ पे सारी वीडियो आ जाएंगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारी वीडियो जो यहाँ पे आई है ये मोनेटाइज, इनका हमने अभी मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन नहीं किया है। तो इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आपको जाना है एडिट वाले ऑप्शन में। इसके बाद यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये हमारा यहाँ ऑटोमेटिक से ऑन रहेगा। आपको यहाँ से अपडेट वीडियोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस वाले बॉक्स में टिक करके यहाँ से अपडेट वीडियोज कर देना है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं और बहुत ही जल्दी आपके वीडियो में सारी वीडियो में ऐड लग जाएंगी अगर आपके चैनल पे बहुत सी वीडियो हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।